बॉलीवुड के सबसे बड़े खलनायक, बुलंद हस्ती, बेबाक अंदाज और दमदार आवाज के मालिक अमरीश पुरी ने फिल्मी दुनिया में विलन के रूप को एक अलग पहचान दी। जिन फिल्मों में अमरीश पुरी ने काम किया उनमें विलन का एक नया रूप लोगों के सामने आया। मोगैम्बो जैसे किरदार आज भी नहीं भूल पाए हैं हम, जहां उनके हर एक किरदार इतने ज्यादा डरावने होते थे कि उनकी एक खतरनाक विलेन की छवि लोगों के जहन में बनी रहती थी। जहां अमरीश पुरी न सिर्फ ऑन स्क्रीन बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसे ही थे, जहां उनका रुतबा पर्सनल लाइफ में भी बरकरार रहता था और इस वजह से उन्होंने बहुत ही जाने माने बड़े डायरेक्टर की फिल्म का ऑडिशन देने से मना कर दिया, और ये डायरेक्टर बॉलीवुड के नहीं बल्कि हॉलीवुड के थे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ कि अमरीश पुरी ने इस हॉलीवुड डायरेक्टर की फिल्म करने से साफ तौर पर मना कर दिया। दरअसल ये बात तब की है जब जुरासिक पार्क मूवी के डायरेक्टर स्टीफन स्पिलबर्ग एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था इंडियन जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ पुम, जिसमें उन्हें कुछ इंडियन कैरेक्टर्स की जरूरत थी और इस फिल्म में एक कैरेक्टर मौला राम का था, जिसके लिए इन्होंने अमरीश पुरी को अप्रोच किया। लेकिन इस कैरेक्टर के लिए साफ तौर पर अमरीश पुरी ने मना कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने का टाइम आ गया, तब डायरेक्टर स्टीवन को भी अमरीश पुरी के अलावा कोई और समझ ही नहीं आ रहा था, और यही कारण था कि स्टीफन स्पिलबर्ग ने एक बार फिर अमरीश पुरी को कॉन्टेक्ट किया, और उन्होंने अमरीश पुरी को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर बल्कि एक कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू संपर्क किया ताकि वो इस फिल्म के लिए अमरीश पुरी को मना सके। उन्होंने अमरीश पुरी से इस किरदार के लिए बात की और उन्हें काफी समझाया, और तब जाकर कहीं अमरीश पुरी ने इस फिल्म को करने के लिए हामी भरी। और अमरीश पुरी के हाँ करने के बाद स्टीफन और उसकी टीम अमरीश पुरी से मिलने पहुंची, और तब उन्होंने अमरीश पुरी को एक ऑडिशन देने के लिए कहा। लेकिन अमरीश पुरी ने तब उनको हैरान कर दिया जब उन्होंने कहा कि वो ऑडिशन नहीं देंगे। इसके बाद जब उनकी टीम ने अमरीश पुरी को एक स्क्रिप्ट रीड करने के लिए कहा तो उन्होंने पढ़ने से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया। इन सभी के बावजूद उन्होंने उन लोगों को कुछ ऐसा जवाब दिया जिस पर स्टीफन को तो ये साफ तौर पर समझ आ गया था कि ये कलाकार औरों से काफी अलग है। जहां अमरीश पुरी ने उनकी टीम से कहा कि आप लोग मुझे इस फिल्म में एज एक्टर देखना चाहते हो तो आप मेरे फिल्म के सेट पर पहुंचें या फिर आप मेरी फिल्मों की वीडियो देख सकते हैं, इसके लिए मैं कोई भी ऑडिशन नहीं देने वाला। साथ ही इस स्क्रिप्ट का ना पढ़ने का कारण उन्होंने बताया कि स्टीफन स्पिलबर्ग मेरा एक्टिंग देखना चाहते हैं या फिर मेरी एजुकेशन। उन्हें ये तक नहीं पता था कि मैं कौन सी लैंग्वेज बोलता हूँ, जहाँ उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी एक्टिंग के लैंग्वेज को समझना चाहिए न कि उस लैंग्वेज को जिसे मैं समझता हूँ। और अमरीश पुरी का वो नजरिया ही था कि अमरीश पुरी इतनी स्ट्रगल कर आज यहाँ तक पहुँच गए हैं और इतने अलग अलग तरीके का किरदार कर पाए हैं। जहाँ ये फिल्म काफी कॉन्ट्रोवर्सी रही थी और इस फिल्म को इंडिया तक में रिलीज करने से मना कर दिया गया था, लेकिन जो भी हो अमरीश पुरी ने अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिया और उनका रुतबा ही कुछ ऐसा था कि फिल्मों से लेकर पर्सनल लाइफ तक हर कोई उनसे डरता था। वेल, तो आप क्या कहना चाहेंगे अमरीश पुरी के इस अंदाज के बारे में जहाँ उन्होंने गुरु के आगे झुकना सही नहीं समझा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी तमाम अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।